ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रणित गुप्ता। बाहरी दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां सरकारी राशन और खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। ऐसे इलाकों की जिम्मेदारी वहीं के सक्षम लोग कर रहे हैं और कोरोना महामारी के संकट में मानवता के एक बड़ी मिसाल बने हैं। बाहरी दिल्ली के शाबा डेरी में भी कुछ लोग ऐसे ही कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। इस किचन को इन्होंने बजरंग बली की किचन का नाम दिया है। इस किचन को बजरंग बली के भक्त राजेश मान की टीम चला रही है और हजारों लोगों को खाने का इंतजाम कर रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली की शाहमा डेरी में चलती है बजरंग बली की रसोई। राजेश मान की टीम खिलाती है हजारों लोगों को खाना। राजेश मान का ऐलान, लॉकडाउन तक चलेगा ये अभियान। एक रसोई बजरंग बली की भी, जी हाँ, मैं इस वक्त खड़ा हूँ शाबाद डेयरी इलाके में, जहाँ पर बजरंग बली के भक्त हैं जो लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है रसोई चला रहे हैं। इस रसोई में लगभग हजारों लोगों को दिन भर खाना यहाँ पे दिया जाता है। हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जो इस सारी व्यवस्था को मैनेज किए हुए हैं। राजेश मान जी हैं हमारे साथ, हनुमान सेवक हैं। तब से ये बजरंग बली की रसोई चल रही है और कहाँ कहाँ कितने लोगों तक ये मदद पहुँच पा रही है। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और सबको मेरा नमस्कार, जितने भी आपके चैनल को दर्शक देख रहे हैं। देखिए जी, ये हमारा जब ये लॉकडाउन हुआ तो रोशन लाल गोयल जी हैं, चाचा जगबीर जी हैं, आइए मास्टर जी हैं, रोशन लाल बंसल जी, मास्टर जी, रोशन लाल जी, चाचा जगबीर जी, जगबीर प्रधान जी हैं, हम लोग इकट्ठे हुए और हमने एक ये बजरंग बली की रसोई के नाम से एक ये संस्था या ये कहो कि भंडारा प्रारंभ किया। और ये हमने इस वक्त 24 सेक्टर की जजा कॉलोनी में, सावा डेरी में एप ब्लॉक में, सावा डेरी में ई ब्लॉक में, ये कई जगह पर हमने देखा जिस क्षेत्र में हमने ये काम कर रहे हैं वहाँ पे 98% ऐसे लोग हैं जो बेचारे रोज खाते थे, रोज कमाते थे। और मैं तो ये मानता हूँ दिल्ली में एक ये ऐसी जगह है जहाँ पे दो दिन भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए लॉकडाउन जैसी तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि गरीब व्यक्ति है। तो जब हमने आपस में मिलकर ये बनाया और मेरे साथ कम से कम ये 40 आदमी ऐसे हैं जो श्रम योगदान दे रहे हैं मेरे साथ, रोशन मास्टर मास्टर रोशन लाल जी हैं, इनकी संस्था के लोग हैं, और जो अपने आप को खतरे में डालकर और जिस प्रकार का ये कार्य कर रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं और बजरंग बली की कृपा आज तक जब से ये लॉकडाउन हुआ और चल रहा है और जब तक हमारा पूरा लास्ट तक आखिर तक हम कोशिश करेंगे कि हम मोदी जी ने जो आह्वान किया है, केजरीवाल जी जो इतनी दिल्ली वासियों के लिए इतना कर रहे हैं, हम उनका सहयोग दे सकें और हम आखिर तक ये काम करेंगे। तो बिल्कुल, ये वो इलाके हैं जहाँ पर सरकारी मदद बड़ी मुश्किल से पहुँच पाती है, ऐसे में इन लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत बड़ा आबादी वाला इलाका है, यहाँ बिजनेसमैन भी इतनी तादाद में नहीं रहते कि जो इतनी बड़ी आबादी को राहत दे सके। मजदूरों की दलित बस्ती ये इलाका है जहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि कितनी बड़ी ज़रूरत है और क्या इतनी संख्या में लोग पहुँच पा रहे होंगे मदद जो? मेरा नाम रोशनलाल बंसल है। राजेश भाई मान जी ने मेरे को यहाँ बोला कि आप यहाँ जगह में आओ और यहाँ लोगों की जरूरी है, जैसे ये लोग मजदूरी करते हैं रोड की, जो इनको इनकी मतलब की रोज की जरूरत है। तो हमने देखा यहाँ आके कि भाई ये बहुत जरूरी काम है, सरकार भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाती। हालांकि सरकारी ठीक है, प्रोग्राम कर रही है, सब कुछ है। हमने देखा कि अवस्था जो है काफ़ी लोग जो है घरों में निकल के बाहर नहीं जा सकते। यहाँ बंटवारे की परमिशन, हमने SDM अलीपुर से परमिशन ली घरों के बांटने के लिए, और हम मिलके यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर के जो है एक संस्था है उनके साथ मिलके हमने काम किया, बजरंग बली की ये रसोई चलाई। और जब से लॉकडाउन हुआ है प्राइवेट फैक्ट्री बैठ गया घर में और सब मजदूर हैं, यहाँ सब लोग भूखे हो गए हैं। और यहाँ पर राजेश मान जी हमसे मिले, मेरा एक सुप्रीम इंडिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एजुकेशन फाउंडेशन रजिस्टर्ड है जिसके माध्यम से हम एक स्कूल चलाते हैं गरीब बच्चों का। और साथ साथ में जब इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मास्टर जी अपनी संस्था के माध्यम हमारी बजरंग बली रसोई के साथ साथ सेवा कर लेते हैं हम लोग। तो हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने बहुत बड़ी मदद करी है यहाँ गरीबों को रोटी देने का, और हम सारे लोग टीम बना करके लगे हुए हैं, कोशिश ये हमारी अधिक से अधिक लोगों को भोजन दे सकें। और यहाँ 5-6 ब्लॉकों में भोजन जा रहा है, ए ब्लॉक, एफ ब्लॉक,
ई ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। ये राजेश मान जी है, हमारे मित्र हैं, इसी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। हम इसकी टीम से जुड़े हुए हैं ना, तो यहाँ कोई विधायक विधायक का हमें कोई सहयोग नहीं है, खाली जनता की सेवा ये भाई के माध्यम से हो रही है। हम भी इसके साथ जुड़ रहे हैं, जो सहयोग हमारे से होता, हम जनता का सहयोग हो या कोई 10 रुपये का, हम पीछे नहीं हटेंगे, भाई के साथ हम जुड़ रहे हैं। ये हमारा भतीजा राजेश मान, इसने यहाँ देखा लोग भूख से तड़फ रहे थे, और मास्टर जी हमारे पुराने मित्र हैं, हमने इनके यहाँ मकान के सामने पार्क देखा, परमिशन ली और यहाँ देखा हज़ारों की संख्या में। लेकिन जब हमने लाइन देखी, इतनी लंबी लाइनें होगी, अब तीन तीन चार चार घंटे में नंबर, हमने ब्लॉक वाइज खाना बना के उनके लिए 500 500 200 200 300 300 आदमियों के हर ब्लॉक में खाना पैक कर करके उनको वितरण कर रहे हैं। और उसी के साथ धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई राजेश मान का, जिन्होंने बजरंग बली की रसोई और हम लोगों के सहयोग से कराए। साबा डेयरी में बहुत ही गरीब लोग हैं, मजदूर हैं बेचारे, जिनका काम धंधा बिल्कुल बंद हो चुका है, हम लोग उनको खाना दे रहे हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी ये बीमारी ख़त्म हो, लोग अपने काम पर लौटें, अपनी पटरी पर लौटें, ठीक है। पर इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, ये जो भाई हैं हमारे राजमान जी, हमारे अंकल जी बंसल जी, इन्होंने बड़ा सहयोग करा हमारे साथ, समुद्र जी हैं, इन्होंने बड़ा सहयोग करा, और हम लोग भी और मेरी टीम पूरी लड़कों की सारी मेहनत करके लगे हुए हैं हम, और जहाँ तक हमसे कोशिश होगी हम हर किसी का पेट भरना चाहेंगे। तो बिल्कुल देखना, अपने संकट के इस दौर में महामारी कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश एक साथ है, और बजरंग बली ने लगभग सबको एक कर दिया है, हर तरह के लोग यहाँ पर मिल करके उन तमाम लोगों के खानों की चिंता कर रहे हैं जिन्हें इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।